बहुत ही स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरी बहन का बेबी शॉवर है। तो ये ब्लॉग बहुत एक्साइटेड हूँ, खाला बनने वाली हूँ। बहुत लंबा वेट था, अभी हम उन्हीं की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। एंड मैं जा रही थी अभी सामान वगैरह लेने के लिए, और मम्मा पापा भी गए हुए हैं कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए बहन के लिए। तो हम बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया वहाँ का, बट मैं आज शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलो आपको भी साथ में लेके। मम्मा मेरी बात सुनो, पटनी टॉप जाना है। आप नानी बनने वाले, आपको कैसा लग रहा है? मैं मामू बनने वाला हूँ। ओए तो क्या मैं कराऊंगा पे, हम कर रहे हैं पैकिंग। आदि खाला लिखेगी अब इस दुपट्टे पे गोद भराई, और हम करेंगे ये सब पैक। हो गए पैक, अब हम दुपट्टा डेकोरेट करने लगे हैं। कर दिया हमने दुपट्टा डेकोरेट, गोद भराई। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है मेरी बहन को, बनाई तो मम्मी पापा ने लेकिन दे मैं रही हूँ। ये ट्रे तैयार हमारा के लिए, इसमें है दुपट्टा, सूट, गजरे, बैंगल्स एंड रिंग। तो ये सुन भी आ गई है हमारी, हमने बनाने को दी थी, आ गई है वो भी। और अभी तक मैक्सिमम सामान हो गया हमारा, केक भी मैं ले आई हूँ, भाई को भेजा, वो ले आएगा केक। बस अब बचा है तो ये थोड़ी बहुत पैकिंग करने रह गई है इन टोकरियों की, इनमें थोड़ा बहुत सामान रहना रह गया हुआ है। और ये ट्रे भी हमने पैक कर दी है, सब कुछ पैक हो गया है शुक्र अल्लाह का। और जो बस एक चीज़ रहती है अभी, जो अभी 3 बजे जाके हमने लानी है। मैं तो थोड़ा बहुत सामान इन टोकरी में डाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मम्मा भी अभी कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, चने कुछ बना रहे हैं, लेके जाते हैं जो। और मेरे साथ ना हमेशा यही होता है, जब मेरे घर में कोई ना कोई फंक्शन होता है मुझे कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और मुझे इतना फीवर है ना, मैं इस फीवर में कहाँ कहाँ गुजारी हुई, मुझे पता है मैं कैसे कर रही हूँ सब कुछ। ऊपर से मुझे खांसी लगी हुई है, जाने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तैयार हो कुछ भी करो कि करना पड़ेगा, व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर ये फंक्शन बार बार तो आएगा नहीं, इसलिए बना रही हूँ। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो कि बहुत क्यूट है, बेबी की है। ये पूरा सेट आता है बेबी का, जिसमें बेबी वॉश है, शैम्पू है, रैश क्रीम है, हेयर ऑयल है, लोशन है, बहुत कुछ है। इसके नीचे भी है बॉक्स, इसके नीचे भी है। पैकिंग ख़राब हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने बेबी के लिए मंगवा, मॉम्स को तो बोल दी। ये मम्मा की तरफ से गिफ्ट, मम्मा थोड़ा हटना, चेकिंग हो रही है यहाँ पे कि ठीक भी आए कि नहीं, मशीन और फ्रिज। और ये खाला की तरफ से एलईडी, कर लिया चेक। मैं ये अगरबत्ती जला के पूरे घर पे लगाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ये करना, अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आती है इससे। सब मेहमान भी आने वाले हैं और मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ, बस मैं जा रही हूँ रेडी होने। इनको बहुत ज़रूरत है फ्रेगनेंस की। गई हूँ रेडी और मैं आपको बताऊँगी अपना फुल लुक बाद में, जब कोई शूट करने वाला होगा, अभी कोई शूट करने वाला नहीं है। तो बस अब 6 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं, वेट कर रहे हैं जो सामान लेकर जाएगा, उसमें ऑटो को बुलाया है, वो सामान लेकर जाएगा सारा। तो वहाँ पे जाके आपको सारे रिचुअल्स बताती हूँ कैसे क्या होता है। धरती से लेके अंबर, नदिया हो या समंदर, धरती से लेके अंबर, नदिया हो या समंदर, बादल भी सुर में कितना गा रहे हैं। खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली, क्योंकि मेरे घर नए मेहमान आ रहे हैं। खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली, क्योंकि मेरे घर नए मेहमान।
इंतजार था जिसका आई वो घड़ी है, खुशियों से भी देखो मेरी गोद हाँ भरी है, टहनी पे फूल भी हाँ सारे हंस रहे हैं, आंगन में मेरी देखो रंग बिखरे हैं, चांद वांद छोड़ के आया आज दौड़ के, माथे को मेरी तारे खुद सजा रहे हैं, खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली, क्योंकि मेरे घर नए मेहमान आ रहे हैं, खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली, क्योंकि मेरे घर नए मेहमान आ रहे हैं। दुनिया ये सारी जैसे मुझ में समाई हो, आओ मेरे पास सब मुझको बधाई दो, क्या ही वो पल।